जय बजरंगबली। तो आप सभी को आज मैं दिखाने वाली हूँ गोमती नदी के किनारे पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, जहाँ पे 1,25,000 हनुमान जी की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हनुमान धाम मंदिर की, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हैं। धाम की स्थापना गुरु नरसिंह दास ने करवाई थी और 6 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगर कभी मन अशांत हो, प्राकृतिक वातावरण में आग बंद करके बैठने को व्याकुल हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए शांत माहौल ढूंढ रहे हैं, तो पहुंच जाइए राजधानी के हनुमान धाम मंदिर में, जहाँ पे आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा और नदी के किनारे बैठ के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो चलिए आपको आज घुमाते हैं हनुमान धाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूं लखनऊ की सबसे सुंदर मंदिर में, सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैं अभी आई हूं आज हनुमान धाम के दर्शन करने। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूं, तो आप लोग को भी साथ ही साथ सोचा दर्शन करा ले। तो जो अभी तक नहीं आए वो जरूर आइएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एंट्री की हूँ और अभी जस्ट यहाँ पे आई। तो चलते हैं, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको किनारे पे अंदर प्रसाद भी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया और आप देख सकते हैं डब्बे पे भी हनुमान धाम मंदिर बना हुआ, नाम भी लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा नजारा आपको सामने ही दो मंदिर दिखाई देंगे, एक शिव जी और एक बजरंग बली का। शिव जी के मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पे आपको नीले रंग के शिव जी बने हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा नजारा मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज्यादा भीड़ भी है यहाँ पे। तो मंगलवार, शनिवार और रविवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, काफी पब्लिक आती है यहाँ पे दर्शन करने, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ भी है यहाँ पे गाइस। बहुत आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं, बेगम हजरत महल पार्क से मोती महल लॉन की तरफ आएंगे, बीच में आपको हनुमान धाम मंदिर का बोर्ड मिल जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है, जिसके आप अवश्य दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे ऑनलाइन भी भगवान जी को दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन करने का भी सिस्टम है, आजकल भगवान जी भी डिजिटल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप दान करके जरूर जाइएगा, सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलते हैं अब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। तो आप देख सकते हैं एंट्री धीरे धीरे हमारी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इस वजह से लाइन से जाना पड़ रहा है हमें। तो फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री मिल चुका है हमें और देख सकते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। सामने आपको हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देगी, यहाँ पे सफ़ेद रंग के हनुमान जी हैं, सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है और चांदी का मुकुट भी पहने हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर से हमारे बजरंग बली लग रहे हैं। मंदिर के अंदर आ गई और अभी आप देख सकते हैं मैंने प्रसाद भी ले लिया और यहाँ पे खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, मैं लाइन में खड़ी हूँ यहाँ पे। तो आज देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे शिव जी और बजरंग बली के अलावा भी आपको कई हिंदू देवी देवताओं के भी दर्शन करने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत मुश्किलें के बाद इतनी भीड़ में। अब चलते हैं मंदिर के नीचे साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा बना हुआ है, ये पूरा नीचे का एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पब्लिक जुटी हुई है, हर तरफ एकदम भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगा। इस वाटिका में आपको छोटे छोटे पानी के कुंभ भी बने हुए दिखाई देंगे, जो कि इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए भी अलग से सीट वगैरह काफी सारी बनाई गई, यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है और ये देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है गाइस। और यहाँ पे आपको नाव भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग शुल्क देके नाव की सैर भी कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं एकदम।
ये है पूरा सीन। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप लोग जरूर आइएगा। जो भी लखनऊ से हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं, वो जरूर आइएगा, और जो भी लखनऊ घूमने आ रहे हैं वो भी आइएगा जरूर। तो चलते हैं मंदिर के ऊपरी साइड में, जहाँ पे आपको राधा कृष्ण की एक प्यारी सी मूर्ति दिखाई देगी। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और इसके पीछे ही साइड में आपको एक छोटा सा झूला भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर है। काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं आपको ये सारी चीजें दिखा ही नहीं पाई, फिर भी कभी आऊंगी, फिर आराम से आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी। जितना हो पाया मैंने कोशिश की है कि आप लोग को मंदिर दिखाऊं अच्छे से। ये सारा मंदिर का पूरा है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, फैमिली साथ भी आइए, पूजा पाठ करिए और आराम से बैठ के इंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको झूले भी देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े से, तो यहाँ पे बच्चे भी झूले वगैरह झूल सकते हैं आराम से, आप लोग बैठ के अच्छा फील कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं भी आई थी, काफी ज्यादा रात भी हो गई और यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। एक बार आइए, आपका जाने का मन तो बिल्कुल नहीं होगा, जितनी भी परेशानियां होंगी सब दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्शन वर्शन कर लिए हैं और आज इतनी ज्यादा भीड़ है गाइस कि ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। फर्स्ट टाइम आए थे, सोचा दर्शन कर लूँ अच्छे से, तो फिर कभी आएंगे और अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा बहुत ही दिखा पाए हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे आप लोग जरूर आइए, अगर आप लोग लखनऊ में पहली बार आ रहे हैं या लखनऊ से हैं तो आप लोग जरूर इस मंदिर में विजिट करिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इससे सुंदर मंदिर मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और काफी सुंदर भी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर साइड आप लोग बैठ वैठ भी सकते हैं अगर घूमते घूमते थक जाए तो। ये है पूरा लुक मंदिर का। तो ये है हमारा गोमती नदी, जहाँ पे आपको नाव भी सुंदर सुंदर नाव देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग सैर कर सकते हैं, नाव में बैठ के आनंद ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा कितना अच्छा सा नज़ारा है, शाम के वक्त आइए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और यहाँ पे सामने आपको लखनऊ का मेट्रो भी देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब भी यहाँ से मेट्रो जाएगी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी नाव बनी हुई है, यहाँ पे सभी लोग सैर कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आनंद महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत ही सुकून लग रहा है मुझे, जाने का तो मन ही नहीं हो रहा घर बिना। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा ना, यार हनुमान जी 1.25 लाख मूर्ति कहाँ होंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियों के किनारे दीवारों पे बनाई गई हैं इतने सारे हनुमान जी की मूर्ति, जो कि पत्थर की बनी हुई हैं। तो इस सब को मिला के, छोटे बड़े हनुमान जी को मिला के, यहाँ पे 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया है और बहुत अच्छा लगा आके, तो अब चलते हैं, निकलते हैं मंदिर से। तो यहाँ से सीढ़ियों से मैं चप्पल पहन रही हूँ, तो अब निकलते हैं। गाइस अभी मैं मंदिर से बाहर आ गई हूँ, यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, तो अभी चल रहे हम लोग घर। बहुत ही मुश्किल से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके, फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आने का मन नहीं होता। अभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई है, तो अब घर निकलते हैं। तो आप लोग भी जरूर आइएगा इस मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए अपनी वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।